ऑटो रिप्लाई के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को कॉल करते हैं, वो कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं, तो वहां से एक मैसेज आता है, कैन टेक योर कॉल राइट नाउ इन अ मीटिंग। ऐसा ही कोई मैसेज अगर व्हाट्सएप पे हम ऑटो रिप्लाई में भेजें, या फिर ऐसा कोई मैसेज जो हम चाहते हैं लोगों को अपने आप चले जाए अगर हम कहीं बिजी हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो अपनी व्हाट्सएप पे। बहुत छोटी सी सिंपल सी वीडियो होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप किए करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ऐसी नई नई और काम की एप्लीकेशंस में लाते रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं कैसे आप अनेबल कर सकते हो ऑटो रिप्लाई। मैं ऑटो रिप्लाई आपको दिखा देता हूँ। ऑटो रिप्लाई में जैसे मुझे किसी ने मैसेज किया था, मैंने अपना ऑटो रिप्लाई लगा रखा है, तो यहाँ पे मेरा ऑटो रिप्लाई जा रखा है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, आई एम बिट ऑक्यूपाइड, विल टेक्स्ट यू इन अ व्हाइल, ऐसा मैंने ऑटो रिप्लाई पे लगा रखा है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे, एंड प्ले स्टोर पे यहाँ पे आपको लिखना है वॉच ऑटो रिप्लाई। पहली एप्लीकेशन मिल जाएगी, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, ताकि आपको डर रहे। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, और इसके डाउनलोड्स भी बहुत ज्यादा, आप देख सकते हो 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं, और 4.2 की रेटिंग्स है, अच्छी खासी रेटिंग्स है। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। कहीं इंटीग्रेटेड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इंटरफेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से कोई भी आप टेक्स्ट लगा सकते हो, आई एम बिजी टेक्स्ट रिलेटर, आई एम ड्राइविंग टेक्स्ट रिलेटर, आई एम स्लीपिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट ऑलरेडी आ रखे हैं। एंड ऑटो रिप्लाई को आपको यहाँ से अनेबल करना है, अनेबल कर दिया है, अलाउ करना है, ताकि ऑटो रिप्लाई ये कर सके। अब आपको वापस से व्हाट्सएप ऑटो में जाना है, जो अभी ऑटो रिप्लाई जाएगा वो ये जाएगा, तो आपको इसे कस्टमाइज करना है। आप जो भी ऑटो रिप्लाई लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो, मैं अलग अपना ऑटो रिप्लाई में लिख देता हूँ कुछ और, मैं ये कर देता हूँ थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, आई एम बिट ऑक्यूपाइड, आई विल टेक्स्ट यू लेटर, एंड आपको इसे ओके कर देना है। अब आपको कोई मैसेज करता है तो ये मैसेज उसको ऑटो रिप्लाई में चला जाएगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मेन मेन्यू में जाना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कस्टम रिप्लाई, यानी कि आप एक पूरी तरह की चैट बना सकते हो यहाँ पे, कि अगर आपसे कोई हाउ आर यू पूछे तो आई एम फाइन का ऑटोमेटिक या आई एम वेल का ऑटोमेटिक रिप्लाई चली जाए, और अगर आपको कोई हैप्पी बर्थडे बोले तो आप ऑटोमेटिक थैंक यू चला जाए, हैप्पी दिवाली बोले तो ऑटोमेटिकली सेम टू यू चला जाए। तो ऐसे यहाँ पे आप कस्टम रिप्लाई कर सकते हो, एंड उसके बाद आप एप्लीकेशन देख सकते हो कौन कौन सी एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता है, जिन पे ऑटो रिप्लाई जा सकता है, टेलीग्राम, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सिग्नल और वाइबर, यानी कि जितनी भी जो चैट की एप्लीकेशन होती है, व्हाट्सएप जैसी, सब पे आप ऑटो रिप्लाई अनेबल कर सकते हो, ये सारी एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। एंड ऑटो रिप्लाई में आप कॉन्टेक्ट पे जाओगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किसको आप ऑटो रिप्लाई करना चाहते हो। मैंने अभी एवरीवन किया हुआ है कि तो सबको ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। अगर आप कॉन्टेक्ट लिस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कॉन्टेक्ट लिस्ट कर सकते हो, पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट को चला जाएगा, एक्सेप्ट माई कॉन्टेक्ट लिस्ट को कर सकते हो, एक्सेप्ट माई फोन कॉन्टेक्ट, या फिर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप बना सकते हो जिन पे आप इसे अनेबल कर सकते हो। स्टेट्स में आप देख सकते हो, स्टेटिस्टिक्स का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इसने व्हाट्सएप पे कितने ऑटो रिप्लाई किए हैं, या फिर आपने टेलीग्राम पे कितने ऑटो रिप्लाई किए हैं, या फिर आपने फेसबुक मैसेंजर पे कितने ऑटो रिप्लाई किए हैं, यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। एंड अब चलते हैं इसकी सेटिंग्स में, एंड जैसे ही आप सेटिंग्स पर जाओगे तो यहाँ पे अगर आप टाइमर लगाना चाहते हो कि इंस्टेंट मैसेज ना जाए, थोड़ी देर बाद जाए, तो यहाँ पे आप रिप्लाई टाइम को कर सकते हो डिले। यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्लाई वंस भी है, वेट टाइम 5 सेकंड का आप टाइम लगा सकते हो कि 5 सेकंड बाद रिप्लाई जाए, या फिर आप इसे बढ़ा भी सकते हो, या इंस्टेंट मैसेज जा सकता है तो आप यहाँ से इसे अनेबल कर सकते हो। एंड इसमें आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है रिप्लाई हेडर, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर तो ऑटो रिप्लाई आ रहा है कि उन्हें पता लग जाएगा किसी बॉट ने या फिर व्हाट्सएप की तरफ से ऑटो रिप्लाई आया है। अगर आप इसे अनेबल नहीं रखना चाहते तो आप इसको सिंपली ऐसे ऑफ कर सकते हो, तो ऑटो रिप्लाई का जो हेडर है वो नहीं जाएगा यहाँ पे, आप इसे ऑन रखो तो ही अच्छा लगेगा, ताकि उन लोगों को पता लग जाए कि ऑटो रिप्लाई आ चुका है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट ऑप्शन आपको थीम का मिल जाता है, थीम आप डार्क थीम या लाइट थीम या जो भी आपके सिस्टम की थीम है वो उसको अनेबल कर सकता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मुझे कोई मैसेज करता है तो उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई कैसे जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा दूसरा नंबर है और इस पे मैंने ऑटो रिप्लाई सेट किया है। अब मैं आपको ऑटो रिप्लाई दिखा देता हूँ, इससे अगर मैं कोई मैसेज से भेजता हूँ, अब यहाँ से मैं देखता हूँ ऑटो रिप्लाई आता है, ये देखिए ऑटो रिप्लाई अपने आप आ गया, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, आई एम बिट ऑक्यूपाइड, आई विल टेक्स्ट यू इन अ व्हाइल, एंड यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने ऑटो रिप्लाई किया है इस नंबर पे। और कुछ भी मैं करता हूँ, कुछ भी, तो ऑटो रिप्लाई वहाँ आ जाएगा, एंड यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी पता लग जाएगा कि किन किन को ऑटो रिप्लाई गया, यहाँ पे ऑटो रिप्लाई देख सकते हो। और अब मैं ऑनलाइन हूँ, अगर मैं अब हाय भेजता हूँ या कोई भी मैसेज करता हूँ जिस पे मैंने ऑटो रिप्लाई किया है उस पर, तो अब ऑटो रिप्लाई नहीं आएगा, हाय आए ओनली, ऑटो रिप्लाई नहीं गया, क्योंकि अब मैं ऑनलाइन हूँ। एंड यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा मेरी इस एप्लीकेशन में कि मैंने कितने लोगों को ऑटो रिप्लाई किया है। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, 4 व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाईज हैं, राइट, एंड किस किस को भेजा है वो भी पता लग जाएगा, राइट।
तो आप ऐसे ऑटो रिप्लाई लगा सकते हो अपने व्हाट्सएप पे भी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड उसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि जितनी पुरानी और अच्छी एप्लीकेशन होती है उससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट, कोई भी नया फीचर आता है उस पर वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। कोई भी नई और अच्छी एप्लीकेशन आती है मैं उसे रिव्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच।